हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी के आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के विषय में। ये जो टॉपिक है वो आपकी एसएसटी की यूनिट थर्ड का पार्ट है। दोस्तों, यहाँ हमें जो पढ़ना है वो है 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले लोग कौन थे, 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, क्रांति की योजना कहाँ बनी थी, उसको बनाने वाले कौन थे, 1857 की क्रांति का जो प्रसार है यानी किन किन क्षेत्रों में क्रांति घटित हुई थी, क्रांति का स्वरूप किस प्रकार का था, क्रांति के परिणाम क्या निकले, प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे और उनका दमन करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो कौन थे, इन सब की बात करने के बाद में हम बात करेंगे अंतिम दौर के अंदर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के विषय में। दोस्तों, जो 1857 की क्रांति संबंधित प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो भी 1857 की क्रांति से जुड़े हुए फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट्स को हम अच्छे से देख लेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखें 1857 की क्रांति के अंदर कौन कौन लोग थे और उनकी क्या क्या भूमिका रही थी। तो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले थे कुछ महत्वपूर्ण शासक। सैनिकों ने भाग लिया था, किसानों ने भाग लिया था, मजदूरों ने भाग लिया था, शिक्षित वर्ग जो थे उन्होंने स्पष्ट रूप से भाग नहीं लिया था, तटस्थ रहे थे। हिंदू मुसलमानों ने भी यहाँ पर जो है भाग लिया था। दोस्तों, सबसे पहले शासकों के विषय में हम बात करें तो इसमें मुख्यतः जो है व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत ये जो रियासतें थी, ये जो राज्य थे, इनको अधिकृत कर लिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो इनके द्वारा जो है मुख्य रूप से भूमिका निभाई गई थी। सैनिकों के कुछ अपने कारण थे, लेकिन हम बात करें किसानों के क्या कारण थे, तो किसान जो थे इस समय जागीरदारी संकट के कारण इनकी जो दशा है वो बहुत ही खराब हो चुकी थी। दोस्तों, अब अंग्रेजों ने देखो इस समय क्या किया था, जमींदार, रैयत बाड़ी, महाल बाड़ी प्रकार की जो एग्रीकल्चर के जो सिस्टम इन लोगों ने बनाए थे उसके अंदर किसानों का शोषण इतने बुरे तरह से किया कि उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। दोस्तों, साथ ही हम मजदूर वर्ग की बात करें तो 1757 से पहले हमारे यहाँ मजदूरों की हालत जो है वो ठीक हुआ करती थी, वे अच्छे कारीगर हुआ करते थे, अच्छी तरह से काम करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी कंपनियाँ आती हैं वो हमारे उद्योग धंधों पर जो है नियंत्रण करना शुरू कर देती हैं। इंग्लैंड के उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए यहाँ के उद्योग धंधों का पतन कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यही जो मजदूर थे वो खेतों की तरफ आने स्टार्ट हो गए और किसानों की संख्या है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों, तो ये मजदूर ही थे जो किस में तब्दील हो गए, किसानों के अंदर, और किसानों का जो बुरी तरह से शोषण है जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया जा रहा था। शिक्षित वर्ग की बात करें तो शिक्षित वर्ग जो था उन्होंने एजुकेशन ली थी, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी, जो शिक्षा प्राप्त की थी उसके हिसाब से उनको नौकरियां मिल रही थी, तो वो अंग्रेजों की तरफ झुके हुए ही थे। एक प्रकार से उनको एक सपना दिखाई दे रहा था वो नौकरियों का, तो अंग्रेजी शिक्षा को वो भारत के लिए एक वरदान भी मानते थे। इसलिए 1857 की क्रांति के अंदर ये जो शिक्षित वर्ग था ये तटस्थ रहा था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके साथ साथ हिंदू मुसलमान जो हमारा धार्मिक वर्ग था दोनों ने ही इसमें भाग लिया था, क्योंकि कुछ उत्तराधिकारी जो नियम थे उनके अंदर परिवर्तन कर दिया गया। साथ ही जो थे हिंदुओं के अंदर भी देखिएगा सती प्रथा कानून है, विधवा विवाह कानून है, और इस प्रकार के जो कानून थोपने के कारण हिंदुओं को यह लगा कि उनके जो मामले हैं, धार्मिक मामले हैं, उनके अंदर कंपनी के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। दोस्तों, इन सभी मामलों को देखते हुए हिंदू और मुसलमान जो वर्ग हैं उन्होंने क्रांति में भाग लिया था। दोस्तों, प्रमुख शासकों की बात करें कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले प्रमुख शासक कौन कौन से थे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली में जो शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर। अब देखिए बहादुर शाह जफर थे, इन्होंने क्रांति में भाग क्यों लिया। 1837 से लेकर के 1857 तक का जो टाइम है वो इनका माना जाता है। दोस्तों, भाग लेने का जो इनका मुख्य कारण है वो कि बहादुर शाह जफर के बाद में इसके पुत्रों को कंपनी के द्वारा दिल्ली का बादशाह मानने से इनकार कर दिया गया था। दोस्तों, और साथ ही बादशाह को जो है लाल किले से कहीं अन्य स्थानांतरित होने का आदेश भी दे दिया गया था। नंबर एक तो क्या कि उत्तराधिकार का मामला हो गया,
दूसरी बात कि इन्हें लाल किला छोड़ने के लिए भी कह दिया गया दोस्तों, ये इनके जो है क्रांति में भाग लेने का देखिए मुख्य कारण था। हम कहें भी क्रांति क्यों हुई, इतने सारे देखिए वर्गों की हमने बात की, इन सभी वर्गों ने जो है क्रांति में भाग लिया था, तो भाग लेने का एक कारण यही है ना, किसी न किसी प्रकार से वो नाराज थे कंपनी से, सरकार से वो नाराज थे, तो उस नाराजगी का ही जो परिणाम है वो क्रांति के रूप में देखने को मिलता है। फिर हम बात करें बिठूर यानी कानपुर की, तो यहाँ जो भाग लेने वाले थे वो थे नाना साहब। तो नाना साहब ने भाग क्यों लिए, क्योंकि एक तो ये याद रखना है इनका नाम बहुत बार पूछ लिया जाता है, नाना साहब का जो नाम है वो था धांधुपंथ या धुंधुपंत, ये जो थे बाजीराव तृतीय के दत्तक पुत्र थे, और नाना साहब को बाजीराव तृतीय की मृत्यु के बाद कंपनी ने पेंशन देने से इनकार कर दिया था दोस्तों। तो ये एक मुख्य कारण था नाना साहब के द्वारा विद्रोह करने का। अब बात करें तीसरा जो हमारे शासक हैं वो हैं रानी लक्ष्मीबाई। अब इन्होंने विद्रोह क्यों किया, क्योंकि लक्ष्मीबाई के जो पति थे गंगाधर राव, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद गोद लिए हुए पुत्र, नाम याद रखना दामोदर, गोद लिया हुआ जो पुत्र था, जो नाम था जिसका दामोदर, उसको कंपनी ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, तो इसलिए जो रानी लक्ष्मीबाई हैं इसने जो है क्रांति में भाग लिया था। फिर हम बात करें लखनऊ, लखनऊ में हम देखें तो भाग लेने वाली जो क्रांतिकारी थी वो थी बेगम हजरत महल। हजरत महल के जो पति थे वाजिद शाह, वाजिद शाह पर 1856 में कुशासन का आरोप लगाया जाता है और अवध जो राज्य है वो कंपनी के द्वारा हड़प लिया जाता है। इसीलिए जो बिरजिस कादिर जो थे, जो वाजिद शाह का बेटा था, उसको नवाब नियुक्त कर उसकी संरक्षक का के रूप में हजरत महल के द्वारा जो है विद्रोह किया जाता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो है राज्य संकट ही था जिसके कारण बेगम हजरत महल ने जो है इस क्रांति में भाग लिया था। फिर हम बात करें आरा यानी जगदीशपुर की, तो यहाँ जो थे वो भाग लेने वाले थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह देखिए यहाँ के जमींदार थे, लेकिन वो भू राजस्व चुका नहीं पाए, इसलिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, तो कर न देने के कारण उनके राज्य की नीलामी कर दी गई, इसलिए जो है कुंवर सिंह ने भी विद्रोह कर दिया। फिर हम बात करें फैजाबाद के सैयद अहमदुल्ला की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये जो है मद्रास से आए हुए एक काजी थे, और इन्होंने जो विद्रोह किया था वो बेगम हजरत महल के पक्ष में किया था, उनके सपोर्ट के अंदर इनके द्वारा विद्रोह किया गया था। बरेली की बात करें, बरेली में विद्रोह करने वाले थे खान बाबा। खान बाबा ने क्यों किया, इन्होंने दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के सपोर्ट के अंदर जो है विद्रोह किया था। फिर हम बात करें सतारा की, तो सतारा में जो है विद्रोह करने वाले थे अप्पा साहब। सतारा में विद्रोह करने वाले कौन थे, अप्पा साहब। अब अप्पा साहब ने विद्रोह किया क्यों किया, क्योंकि इनका राज्य भी छीन लिया गया था दोस्तों। फिर हम बात करें ग्वालियर के तांत्या टोपे की, क्योंकि तांत्या टोपे ने विद्रोह क्यों किया, तो इन्होंने नाना साहब के पक्ष के अंदर जो है विद्रोह किया था दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख शासक थे जो सरकार से कहीं ना कहीं अपने राज्य छिन जाने के कारण जो है उनसे नाराज थे, कारण चाहे कोई भी हो, चाहे उत्तराधिकार का मामला हो, चाहे कोई कुशासन का आरोप लगा करके छीन लिया गया हो, मामला सारा का सारा एक ही था कि इनका राज्य संकट में था और कंपनी उन्हें अड़प चुकी थी या अड़पने वाली थी दोस्तों। तो इसी डर के कारण जो है इन शासकों के द्वारा युद्ध के अंदर यानी 1857 की क्रांति के अंदर जो है विद्रोह के अंदर भाग लिया गया था दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं किन किन क्षेत्रों के अंदर हुआ, ये हमारे भारत का नक्शा है। यहाँ देखिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह की अगर हम बात करें तो वो हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला सशस्त्र विद्रोह कब हुआ, तो 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर होता है दोस्तों। उसके बाद में देखिएगा लखनऊ में जो विद्रोह हुआ 4 जून 1857 को होता है, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ। इसके बाद में देखिए झांसी की बात करें तो झांसी में 4 जून 1857 को, ये डेट आप याद रखना अच्छे से, झांसी में किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने, तो झांसी में 4 जून 1857 को लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में ये विद्रोह होता है दोस्तों। दिल्ली में देखिए 82 वर्ष के थे बहादुर शाह जफर ने बख्त खां के सहयोग से जो है इस पूरे विद्रोह का नेतृत्व करने का कार्य किया था दोस्तों। इसके बाद में देखिए कानपुर की बात करें तो कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, 5 जून 1857 को, किसके नेतृत्व में, नाना साहब।
कहाँ, कानपुर के अंदर। इसके बाद में देखिएगा असम की बात करें तो असम में जो है 1857 विद्रोह के दौरान दीवान मणिराम दत्त ने कंदेश्वर दत्त को राजा घोषित किया था। बाद में देखिए मणिराम दत्त को जो है फांसी दे दी जाती है। इसके अलावा देखिएगा संबलपुर का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था राजकुमार सुरेंद्र शाही ने, लेकिन संसाधनों के अभाव में ये जो है शीघ्र ही इस विद्रोह का पतन हो जाता है दोस्तों। फिर हम बात करें बरेली की तो जून 1857 में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कब किया था, और सबसे बड़ी बात यहाँ प्रश्न आने की संभावना रहती है जो मिलान करने वाले प्रश्न हैं वो आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके साथ ही हम बात करें कोटा का जो विद्रोह है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था। नसीराबाद में ये हुआ था और इसमें मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। अब हम बात करें शाहजहांपुर की तो शाहजहांपुर के अंदर विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था दोस्तों। फैज़ाबाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था दोस्तों। ग्वालियर से जो है विद्रोह का नेतृत्व तांत्या टोपे के द्वारा किया गया था। क्यों किया था ये सारी बातें अभी हम देख चुके हैं दोस्तों। सतारा में जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था रंगोजी बापू गुप्ते ने। इसके बाद में देखिएगा हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के कारणों के विषय में, वो क्या कारण थे जिसके कारण से क्रांति घटित हुई थी। हम बहुत बार पढ़ते हैं कि जो है चर्बी वाले कारतूस तो एक तात्कालिक थी घटना, लेकिन उससे पहले ही वो सैनिक क्या थे, वो लोग नाराज थे। एक क्रांति कभी एक दिन में नहीं होती और एक बात पर कभी भी झगड़ा भी नहीं होता किसी के साथ में। यदि हमारा किसी के साथ में झगड़ा होता है तो आपने देखा होगा वो तात्कालिक कारण तो एक बार होता है लेकिन हम उसमें पीछे की सारी बातें गिनाना शुरू कर देते हैं। यानी पूरा का पूरा एक बेस और एक बैकग्राउंड है वो वहाँ पर तैयार होता है जिसके कारण जो क्रांति या जो हमारा युद्ध है वो हुआ करता है दोस्तों। तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो है वेली जली की सहायक संधि। देखिए हमने पहले बात की कि शासकों ने इसमें भाग लिया था और शासकों ने क्यों लिया था, क्योंकि उनके राज्य हड़पे जा रहे थे और राज्य हड़पने के अंदर सहायक संधि भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण भारत के जो उद्योग हैं और वो व्यापार है वो समाप्त होते जा रहे थे, क्योंकि उनकी नीति ही इस प्रकार की थी कि यहाँ के उद्योग धंधे तो समाप्त कर दिए जाए और इंग्लैंड के उद्योग धंधों को बढ़ाया जाए। और परंपरागत हस्तशिल्प का क्या हो चुका था, विनाश हो चुका था। परंपरागत हस्तशिल्प के विनाश और भू राजस्व की नीति के कारण लोगों के आर्थिक शोषण व उत्पीड़न ने असंतोष को जन्म दिया। इससे भी जो है विद्रोह की भूमिका तैयार होती है। देखिए मजदूर जो थे, हस्तशिल्पकार थे, वो ख़त्म हो गए, क्योंकि फैक्ट्री मेड जब सामान आना स्टार्ट हुआ तो ये जो हमारे हस्तशिल्प के उद्योग थे वो समाप्त होते चले गए। और फिर वो किसानों की तरफ आए तो किसानों में भू राजस्व इतना ज़्यादा और इतने प्रकार का बना दिया गया तो कि उनके पास में कुछ खाने को भी नहीं बचता था। तो इस प्रकार से पूरी तरह से लोगों का न केवल आर्थिक शोषण किया जा रहा था बल्कि उनको उत्पीड़ित भी किया जा रहा था। तो इसी शोषण और उत्पीड़न ने जो है असंतोष को जन्म दिया और इसी ने विद्रोह की भूमिका भी तैयार की थी दोस्तों। फिर देखिएगा जो रूढ़िवादी हमारे भारतीय थे उन्होंने जो अंग्रेजों के द्वारा सामाजिक सुधार किए जा रहे थे उनका भी विरोध किया गया था दोस्तों। सो सामाजिक सुधारों का विरोध भी एक कारण मानते हैं। ईसाई मिशनरियों को 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी दोस्तों। तो धर्मांतरण के प्रयासों ने भी भारतीयों को नाराज़ कर दिया, क्योंकि ये जो है ईसाइयों में इनको बदल रहे थे हिंदुओं को और हमारी यहाँ की जातियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। तो इस धर्मांतरण ने भी जो है भारतीयों को नाराज करने का कार्य किया। भारतीयों में पदोन्नति व विदेशों में समुद्र पार सेवा देने के बारे में भी असंतोष था, क्योंकि पदोन्नति जो थी हमारे वालों को कम दी जाती थी, अंग्रेजों को ज़्यादा दी जाती थी, सैलरी में भी डिफरेंस हुआ करता था। और हम ये मानते थे कि समुद्र पार सेवा करेंगे तो धर्म हमारा समुद्र पार जाने पर समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो हैं कई प्रकार के असंतोष यहाँ मौजूद थे। भारतीयों को केवल निम्न पदों पर ही नियुक्त किया जाता था, उच्च पदों पर उनको लगाते ही नहीं थे। साथ ही हमारा वेतन भी, जो हमारे सैनिक थे उनका वेतन भी कम था।
समुद्र पार जाने पर उनको जो भत्ता दिया जाता था वो भी बंद हो गया, और एडलिस्ट अपने मानते हैं सबसे अंत के अंदर जो है चर्बी वाले कारतूस। 1857 ईस्वी के विद्रोह का ये तात्कालिक कारण भी माना जाता है, जब एक नई राइफल आती है एनफील्ड जिसमें जो कारतूस है उसको डालने से पहले दांत से खींचना पड़ता था, तो वो चर्बी उसमें लगी हुई थी सुअर और गाय के मांस की। तो इन कारतूसों का निर्माण कहाँ हुआ करता था? बंगाल में होता था, और इनका जो इस्तेमाल करने से हमारे यहाँ के सैनिकों ने इनकार कर दिया था, जो जो विद्रोह का एक तात्कालिक कारण माना जाता है। दोस्तों अब देखिएगा विद्रोह की योजना कब बनी, कहाँ बनी, कैसे बनी। तो विद्रोह की जो योजना है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां और सतारा के अपदस्त राजा के सलाहकार थे रानाजी बापू। इन दोनों ने लंदन में रह करके विद्रोह की योजना बनाई थी। तो ये लंदन गए क्यों थे? तो दोनों ही लंदन में अपने शासकों के राज्य के व्यापगत सिद्धांत के तहत हड़पे जाने के विरुद्ध अपील करने गए थे, क्योंकि इनके जो शासन थे वो छीन लिए गए थे, तो इसी के विरुद्ध ये लंदन में अपील करने गए थे। तो वहीं पर इन्होंने इस क्रांति की योजना बनाई थी, कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है। अब देखिए डे कौन सा डिसाइड किया हुआ था, 31 मई 1857 का जो दिन है क्रांति के लिए चुना हुआ था। दोस्तों क्रांति का प्रतीक क्या था ये भी पूछा जाता है, ये डेट आप विशेष तौर से याद रखिएगा, 31 मई 1857 ये डे क्रांति के लिए डिसाइड किया गया था, यानी क्रांति इस दिन होनी थी लेकिन पहले हो जाती है। क्रांति के प्रतीक क्या था? तो क्रांति के प्रतीक के रूप में जो है कमल का फूल और हुआ करती थी रोटी। तो ये भी बहुत बार आपसे पूछा गया है कि क्रांति का प्रतीक क्या था। दोस्तों कमल का फूल विद्रोह में शामिल होने वाले सभी सैनिक टुकड़ियों को एक संकेत के रूप में पहुंचाया गया, और रोटी को एक गांव का चौकीदार जो है वो बैकअप के रूप में दूसरे गांवों तक पहुंचाने का कार्य किया करता था। दोस्तों तो ये क्रांति के कुछ एक जो थी योजना से संबंधित तथ्य थे। यहाँ हम बात करेंगे क्रांति का आरंभ और प्रसार, यानी क्रांति कब हुई, कहाँ हुई, किस प्रकार से वो फैली। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध जो पहली घटना है वो कहाँ हुई थी? बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को होती है। हम ये बात कर रहे हैं चर्बी वाले जो कारतूस थे वो नाराजगी तो थी, लेकिन उससे संबंधित जो पहली घटना हुई वो होती है 29 मार्च 1857 को। अब देखिए क्रांति तो बाद में होने वाली थी, लेकिन हम बात करें कि इससे संबंधित एक घटना जो है वो पहले ही हो चुकी थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी NI रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया, और लेफ्टिनेंट बेग, किसकी हत्या की थी? लेफ्टिनेंट बेग और सार्जेंट मेजर यूसन की हत्या कर दी। यहाँ जो प्रश्न आपसे बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कि चर्बी वाले कारतूस से संबंधित जो है पहली घटना कहाँ हुई? तो बैरकपुर छावनी में हुई। कब हुई? 29 मार्च 1857 की हुई। 34वीं NI के जो एक सिपाही थे वो उनका नाम था मंगल पांडे, उन्होंने की थी, और इन्होंने किसकी हत्या की? तो लेफ्टिनेंट बेग और सार्जेंट मेजर यूसन की हत्या इनके द्वारा की गई थी। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा जो है 10 मई 1857 का दिन हमारा महत्वपूर्ण है। क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? मेरठ छावनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? मेरठ छावनी में। 20वीं NI के जो पैदल सैनिक थे उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और सैनिकों ने अपने बंदी साथियों को मुक्त करवा लिया, और दिल्ली की तरफ वो लोग क्या कर जाते हैं? प्रस्थान कर जाते हैं। दोस्तों तो ये इस क्रांति की हम पहली घटना मान करके चलते हैं। 10 मई 1857 को जो है क्रांति वो है प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों यहाँ के जो घुड़सवार थे, घुड़सवार सेना ने मेरठ से दिल्ली चलो का नारा दिया था। मेरठ से दिल्ली चलो, यानी दिल्ली चलो का नाम है जो कहीं ना कहीं हमें यहाँ सुनाई देता है। दोस्तों अब ये सैनिक क्या करेंगे? 11 मई को ये जो सेना है वो दिल्ली पहुंच जाती है, लाल किले पर अधिकार कर लेती हैं, और 12 मई को है बहादुर शाह द्वितीय को क्रांति का नेता और भारत का बादशाह घोषित कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कब 12 मई को किसको? बहादुर शाह द्वितीय को। तो क्रांति का मूल जो नेता था, मुख्य लीडर था, वो था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे क्रांति का नेता जो है घोषित किया गया था। दोस्तों और भारत का बादशाह किसे घोषित किया गया था? तो वो भी बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया था। दोस्तों उसके बाद में देखिएगा जो अन्य बातें आती हैं, अलग अलग स्थानों पर जो विद्रोह हुए उनके फैक्ट के रूप में हम बात करें, तो 4 जून को झांसी में राजा गंगाधर राव
की विधवा रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ प्रश्न बनता है कि झांसी में किसने किया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया। कब किया, 4 जून को नेतृत्व करने का कार्य किया था। लक्ष्मीबाई ने 7 जून 1857 को अंग्रेज जनरल ह्यूरोज, ये नाम याद रखना, अंग्रेज जनरल ह्यूरोज जो हैं उससे लड़ती हुई ये शहीद हो जाते हैं। दोस्तों ह्यूरोज ने इनकी मृत्यु के ऊपर कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो उन्होंने उनका पराक्रम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखा था, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट इनके बारे में दिया था। दोस्तों अब आगे देखिएगा क्या हुआ कि जो हमने बात की थी 12 मई का दिन, आप देखिए विशेषतः याद रखिएगा 12 मई को क्या हुआ था। बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया और कार्य संचालन के लिए यहाँ देखिए एक 12 सदस्यीय एक सैनिक परिषद का गठन किया गया। कितने सदस्य थे, 12 तारीख थी और 12 ही इसमें क्या थे, सदस्य थे। एक सैनिक परिषद का गठन किया गया था जिसका अध्यक्ष बनाया था बख्त खान को, और बख्त खान की नियुक्ति जो है बहादुर शाह के द्वारा ही सेनापति के रूप में की गई थी। दोस्तों तो फिर ये धीरे धीरे पूरे भारत में ये फैल जाता है। तो बख्त खान जो हम ऐसा कह सकते हैं कि बहादुर शाह जफर तो नाम मात्र के रहेंगे, कार्यभार संभालने का जो काम किया था वो बख्त खान के द्वारा किया गया था। दोस्तों अब देखिएगा लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल किसके नेतृत्व में, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है। यहाँ भी उत्तराधिकार का मामला था। बेगम जो है अपने पुत्र ब्रिजिस कादिर को नवाब यहाँ का घोषित कर देती हैं। अब यहाँ याद रखने वाला फैक्ट है, लक्ष्मीबाई को और क्या कहा जाता था, महल परी कहा गया है। मणिकर्णिका भी कहा जाता है लक्ष्मीबाई को। यहाँ एक और जो नाम में कन्फ्यूजन है, महल परी और महक परी, हम दोनों को साथ में ही देखते हैं समझ पाएंगे, इसमें लय है ना, तो यहाँ भी तो लय है। महल परी किसको कहा जाता है, लक्ष्मीबाई को, और महक परी किसको कहा जाता है, हजरत महल को जो है महक परी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मार्च 1858 के अंदर कैंपबेल ने हजरत महल को पराजित कर दिया और बेगम हजरत महल जो है वो पराजित होने के बाद में चली जाती है नेपाल। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेगम हजरत महल जो है पराजित होने के बाद में कहाँ चली गई, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि पराजित होने के बाद में किसी भी राजा या शासक का क्या हुआ था। कानपुर की बात करें तो 5 जून 1857 को जो विद्रोह की शुरुआत है वो नाना साहब के द्वारा होती है, तांत्या टोपे उनकी सहायता करते हैं। यहाँ कैंपबेल और हेवलॉक जो है वो कानपुर पर कब्जा कर लेते हैं, नाना साहब यहाँ से पराजित हो जाते हैं और वो भी कहाँ चले गए, नेपाल। तो प्रश्न पूछा जाता है कि नेपाल जाने वाले कौन कौन थे, तो एक तो थी बेगम हजरत महल और दूसरे थे नाना साहब, ये भी नेपाल चले गए थे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अब बात करें जगदीशपुर की, तो जगदीशपुर के अंदर जो है कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। कुंवर सिंह को जो उस समय जो विद्रोह हुआ था उस समय बिहार का सिंह कहा जाता था, क्या कहा गया था, बिहार का सिंह कहा गया था, बिहार का शेर कहा गया था। कुंवर सिंह जो है युद्ध में जख्मी हो जाते हैं, जख्मी होने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है और जगदीशपुर पर अंग्रेज सेनापति टेलर जो है वो कब्जा कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। दोस्तों बरेली में बात करें तो ये नाम पूछे जाएंगे दोस्तों कि किसने कहाँ पर किया था जो है नेतृत्व, तो बरेली के अंदर खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। आंग्ल सेनापति कैंपबेल ने जो है विद्रोह का दमन करने का कार्य किया था। कौन था बरेली में, खान बहादुर खान, और दमन किसने किया था, कैंपबेल ने किया था। दोस्तों फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए दिल्ली में बख्त खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। दिल्ली में किसने किया था, बख्त खान ने किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को लेफ्टिनेंट एडसन गिरफ्तार कर लेते हैं और अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र व पुत्रों की गोली मार करके हत्या कर दी थी, तो यहाँ से वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यहाँ से गिरफ्तार करने के बाद में इन्हें रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है और रंगून में ही बहादुर शाह जफर को दफना दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग जो हैं वो विद्रोह से अलग रहे थे। यहाँ के शासकों ने यहाँ तक कि विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की थी। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा पढ़े लिखे लोगों की बात करें, मध्यम वर्ग की बात करें, तो इन्होंने विद्रोह के अंदर हिस्सा नहीं लिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है किन लोगों ने भाग नहीं लिया, तो शिक्षित वर्ग और व्यापारियों ने इसमें कोई भाग नहीं लिया था। दोस्तों
अब इसके बाद में देखिएगा लॉर्ड कैनिंग की टिप्पणी आती है। क्यों आती है कि स्थानीय राजा बड़े जमींदार और अन्य सरदार जो हैं विद्रोह को कुचलने में सरकार की सहायता करते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग ने टिप्पणी की थी, इन शासकों व सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह कार्य किया, वरना यह तूफान एक लहर में सब कुछ बहा करके ले जाता। यानी सैलाब तो बहुत बड़ा था, क्रांति काफ़ी बड़ी थी, लेकिन हमारे ही शासकों के द्वारा जो है अंग्रेजों का सहयोग किया गया था दोस्तों, जिस कारण से जो है विद्रोह सफल नहीं हो पाया था। इस स्वतंत्रता संग्राम का वास्तविक नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाए तो बख्त खां के द्वारा किया गया था, जो बहादुर शाह का सेनापति था, जो 1859 के अंदर जो है वीरगति को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें कि विद्रोह का स्वरूप कैसा था, क्या कहा जाता है राष्ट्रीय था या नहीं था, तो इसके अंदर बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है और सबके अंदर मतभेद है। जाहिर सी बात है अंग्रेज इसे राष्ट्रीय विद्रोह तो नहीं कहेंगे, वो इसे खाली सैनिक विद्रोह मानते हैं, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय इतिहासकार होंगे हम तो उसे विद्रोह ही कहेंगे, पहला स्वतंत्रता संग्राम ही कहेंगे, जिसमें बहुत सारे मत हैं। कुछ एक सैनिक विद्रोह ही मानते हैं क्योंकि सबने भाग नहीं लिया था, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो राष्ट्रीय आंदोलन था या राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के अंदर किसानों व सामान्य लोगों ने कुछ मात्रा में भाग लिया था, अतः इसे केवल हम सैनिक विद्रोह भी नहीं कह सकते। हम ऐसा तो नहीं कह सकते सबने भाग लिया था, लेकिन हम कहें अधिकतर लोगों ने इसमें भाग लिया था, तो हम इसे केवल सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते। सैनिक विद्रोह हम तब कह सकते थे जब इसमें केवल सैनिक ही भाग लेते और कोई व्यक्ति इसमें भाग ही नहीं लेता। यहाँ हम विभिन्न विचारकों के मतों की बात करेंगे जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिजराइली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा है, एक अंग्रेज मंत्री ने कहा है और उस मंत्री का नाम था डिजराइली, तो इसलिए अंग्रेज के द्वारा कहे जाने के कारण ये स्टेटमेंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडी सावरकर जो थे इन्होंने क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। बहुत बार पूछा गया है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था क्रांति को, तो वी डी सावरकर ने कहा था दोस्तों। अशोक मेहता क्या कहते हैं, क्रांति को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम कहते हैं। अशोक मेहता क्या कहते हैं, सुनियोजित संग्राम कहते हैं। डॉक्टर रमेश मजूमदार क्या कहते हैं, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। पहले सरकारी इतिहास लिखने के लिए इनको कहा जाता है, लेकिन ये लिखने के लिए मना कर देते हैं दोस्तों। एनसी सेन के द्वारा जो उसके बाद में जो है सरकारी इतिहास लिखा जाता है, यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार कर सकते हैं कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय तो नहीं था, क्योंकि उस समय भारत राजनीतिक दृष्टि से एक भी नहीं था, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से सैनिक विद्रोह था। तो ये समस्या आज भी है, ये प्रश्न आज भी है और हमेशा चलता भी रहेगा दोस्तों। विद्रोह के परिणाम की बात करें, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस क्रांति के रिजल्ट क्या निकले, क्या परिणाम हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहली बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त हो जाता है और क्राउन का शासन जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ प्रशासनिक सुधारों के लिए जो कमियाँ 1857 से पहले रह गई थी उनको दूर करने के लिए एक एक्ट पारित हुआ। इसमें क्या हुआ, तो भारत जो है वो ब्रिटिश शासन का एक अंग बन गया। यानी भारत अब किसका अंग बन गया, ब्रिटिश शासन का अंग बन गया, और जो गवर्नर था उसको वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। इस समय जो गवर्नर था वो कौन था, वो कैनिंग ही था। इस समय गवर्नर जो था वो कैनिंग ही था, इसलिए उसी को प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। तो पहला वायसराय कौन हो गया, कैनिंग हो गया। भारत सचिव का जो पद हुआ करता था उसकी जगह अब पद आ गया था भारत मंत्री का, और इस समय भारत सचिव चार्ल्स वुड हुआ करते थे, तो इन्हें ही जो है भारत का प्रथम मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। इसके पास में एक कमेटी होती है 15 सदस्य की, जो उसकी सहायता करती है भारत संबंधी मामलों का निपटारा करने के अंदर। ब्रिटिश प्रांतों में ब्रिटिश संसद का जहां सीधा नियंत्रण होता था, वहीं देसी रियासतों पर ब्रिटिश संसद का अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। उन्हें कुछ स्वतंत्रताएँ भी थी, वे ब्रिटिश प्रतिनिधि के नियंत्रण में हुआ करते थे। यानी जो प्रांत थे वो ब्रिटिश संसद का जहाँ सीधा नियंत्रण था हमें देखने को मिला, वहीं देसी जो हमारी रियासतें थी उन पर ब्रिटिश संसद का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। ब्रिटिश प्रांत जो थे उन पर तो संसद का सीधा नियंत्रण था, लेकिन जो
हमारी देसी रियासतें थी उन पे अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, कुछ स्वतंत्रताएं देसी रियासतों की थी क्योंकि वे अधीन हुआ करती थी, वहाँ जो ब्रिटिश प्रतिनिधि हुआ करते थे उनके नियंत्रण में वो लोग कार्य किया करते थे। तो ब्रिटिश प्रांत तो डायरेक्ट संसद के अधीन में आ गए और वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से अधीनता के अंदर आ गए थे। तो सैनिक दृष्टि से कुछ परिवर्तन हुए, तो भारत की सेना जो थी जिसमें भारतीय सैनिक 2,33,000 थे उन्हें घटा करके 1,40,000 कर दिया गया। दोस्तों भारत की सेना में अंग्रेजों की संख्या 45,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दी गई, यानी अंग्रेजी सैनिकों की जो है बढ़ोतरी कर दी गई और भारतीय सैनिकों को कम कर दिया गया। एक और जो यहाँ एक विशेष कार्य किया गया कि भारतीय जो हमारे सैनिक थे उनको रेजिमेंटों के रूप में जातीय आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया, जैसे सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, इस प्रकार के रेजिमेंट के अंदर उनको डिवाइड कर दिया गया। दोस्तों अब देखिए क्या कहा कि जिन जातियों ने विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, वे जातियां जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया उन्हें तो लड़ाकू जाति घोषित कर दिया गया, और जिन्होंने विद्रोह किया था उन्हें गैर लड़ाकू जाति घोषित किया गया, जिसे सेना का नस्लीय सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की जो है नीति इनके द्वारा अपनाई गई थी दोस्तों, कि जिन्होंने साथ दिया वो तो लड़ाकू जाति और जिन्होंने साथ नहीं दिया उसे गैर लड़ाकू जाति घोषित कर दिया गया था। तो ये एक प्रकार का जातीय वर्गीकरण हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब हम देखें कि असफलता के कारण क्या थे, तो क्रांति फेल क्यों कर गई, इसमें सबसे मुख्य कारण हम मानेंगे कि सीमित क्षेत्र में इसका प्रसार हो पाया, सारे क्षेत्र में इसका प्रसार नहीं हो पाया था। दूसरी बात कि हमारे लोगों के पास में धन का अभाव था, आधुनिक तकनीकें भी नहीं थी, इतने टेक्निकल वो हाईफाई नहीं थे कि वो अंग्रेजों से मुकाबला कर सकें, और देसी राजाओं का समर्थन विद्रोहियों को नहीं मिला, न केवल उनको समर्थन से वंचित होना पड़ा बल्कि जो देसी राजा थे उन्होंने तो अंग्रेजों का सहयोग किया। तो इस कारण से हमारी स्थितियां जो हैं वो बिल्कुल विपरीत हो गई। और सबसे बड़ी बात कि संगठनकर्ता यानी उचित जो हम कहें नेतृत्व, उसका अभाव हमें यहाँ देखने को मिलता है, शिक्षित वर्ग ने भी कोई सहयोग नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात कि जो तैयारी थी वो अलग तारीख की थी और ये तिथि से पहले ही क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। इस कारण से भी क्रांति के जो परिणाम निकलने चाहिए थे वो निकल करके नहीं आ पाए थे। दोस्तों अब हम बात करते हैं विद्रोह करने वाले प्रमुख नेता और जो दमनकर्ता थे उनके विषय में। तो दिल्ली में जो नेता थे बहादुर शाह जफर और दमनकर्ता माना जाता है निकोलसन को। फिर कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो विद्रोही नेता थे नाना साहब, और इसको दमित करने का कार्य किया था कैंपबेल ने। और लखनऊ के अंदर थी बेगम हजरत महल, इसको दमन किया था हेवलॉक और जेम्स आउटरम के द्वारा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, इस नाम को हम सभी पढ़ चुके हैं, यूरोज के द्वारा इसका दमन किया गया था। ग्वालियर के अंदर तांत्या टोपे थे, इसका भी दमन यूरोज के द्वारा किया गया। आरा कुंवर सिंह, इसमें जो है विंसेंट एयर का नाम आता है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ही थे, इसमें विलियम वार्ड का नाम आता है, जिनके द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को जो है यहाँ लिखा है मैंने। इसके बाद में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 1857 की क्रांति से जो प्रश्न पूछे गए हैं, मुख्य मुख्य बातें हम सारी कर चुके हैं, अब हम कुछ प्रश्नों को देख लेंगे तो सारे फैक्ट जो हैं हमारे इससे जुड़े हुए वो कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिएगा द सिपोई म्यूटनी ओ एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आर सी मजूमदार। पूछी जा सकती है, नहीं पूछी गई है, ये सारे वो प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और 1857 की क्रांति से संबंध रखते हैं। रुहेलखंड में नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर खान ने, ये सुमेलित करने का था। कर्नल मिशेल बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। जनरल हिरेसी कौन थे, बैरकपुर में स्थित 34वीं इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। जनरल हैविट कौन थे, तो ये मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर थे। हुज व्हीलर कौन थे, तो ये विद्रोह के समय कानपुर के अंदर कमांडिंग ऑफिसर थे। 1857 के विद्रोह के समय किसे साहब ए आलम बहादुर, किसका साहब ए आलम बहादुर का खिताब मिला, तो वो मिला था बख्त खान को, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। किस कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा जो है ये समाप्त हो गया। अब देखिएगा महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल, तो वो है ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, समाधि है ग्वालियर के अंदर। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछा गया है। मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया था,
तो बैरकपुर में किया था। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे, तो नाना साहब के सलाहकार थे दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अगले प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर हम देखते हैं 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम किसने कहा, हम पढ़ चुके हैं वीडी सावरकर ने। बरेली में देखिए कहाँ की बात कर रहे हैं, बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, खान बहादुर खान ने। कानपुर में किसने किया, नाना साहब ने। ये क्वेश्चन रीट के ही हैं, कुछ यहाँ से कुछ एक प्रश्न जो हैं 1857 के दौरान लिखी गई पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन थे, तो विष्णु भट्ट गोडसे जो हैं वो इसके लेखक थे। भारतीय भाषा में 1857 के विकल्प के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो वो है सैयद अहमद खां। लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वो है वाराणसी। 29 मार्च 1857 की तिथि महत्वपूर्ण है, क्यों, इसलिए क्योंकि बैरकपुर के अंदर इस समय विद्रोह हुआ था दोस्तों। मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ, कब प्रारंभ हुई, तो 10 मई 1857 इतवार का दिन, ये भी पूछा गया है कि दिन कौन सा था, इतवार का दिन। तात्कालिक कारण की बात करें तो इसका तात्कालिक कारण जो था वो था चर्बी वाले कारतूस। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी हो गई, 1,40,000। हम अभी इसको पढ़ चुके हैं दोस्तों, पहले कितने थे, 2,33,000 थे, जिनको घटा करके कितना कर दिया गया, 1,40,000। जैसा क्वेश्चन आया उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1857 से पहले ब्रिटिश और भारतीय सेना का अनुपात क्या था, तो वो था 1:5। अब पुस्तक का नाम है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है, वी डी सावरकर। और यहाँ हम पीछे भी देख चुके हैं कि भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम किसने कहा था, तो वी डी सावरकर। अगर ये नहीं पूछे तो अगली परीक्षा में किताब का नाम पूछ लेता है, दोनों में से घुमा फिरा करके कोई भी प्रश्न आता है। आरा में देखिए विद्रोह किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, हमने ये भी देखा था ब्रिटिश संसद के अंदर जो हमारे डिजराइली थे इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था दोस्तों। इसके बाद में अगली श्रृंखला के अंदर हम देखते हैं विद्रोह के समय किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना कि अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार करने वाला कौन था, मौलवी अहमदुल्ला। क्रांति के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का शाही अखबार नवीस कौन था, तो वो था चुन्नीलाल। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, तो कोई शंका मत करना कि इतने मुश्किल क्वेश्चन हैं, आएंगे या नहीं आएंगे। किसने क्रांति के समय अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया, तो अहमदुल्ला शाह ने किया था, जिनका उपनाम था सिकंद शाह। इसके बाद में देखिएगा जो और प्रश्न है, तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न तो प्रथम नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम, तो हम बात कर चुके हैं, किसने कहा था, आर सी मजूमदार ने ऐसा कहा था। ये भी हमने बात की थी कि सरकारी इतिहास लिखने से इनकार किसने कर दिया था, आर सी मजूमदार ने। तो फिर लिखा किसने था, SN सेन के द्वारा जो है क्रांति का सरकारी इतिहास लिखा गया था। तो इस सरकारी इतिहास का नाम क्या था, इसका नाम था 1857। इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी, तो मौलाना आज़ाद ने इसकी प्रस्तावना लिखी थी दोस्तों। अब हम बात करें कि नेपाल कौन चले गए थे क्रांति के बाद में, तो हमने दो नाम देखे थे, एक तो नाना साहब थे और एक हजरत महल थे। तो हजरत महल और नाना साहब जो हैं वो क्रांति के बाद में यहाँ चले जाते हैं। हीरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम किसे कहा, तो किसे कहेंगे, लक्ष्मीबाई से ही उनका वास्ता था, उन्हीं को कहेंगे। किस गवर्नर ने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और राज्य पर कब्जा किया, तो वो थे डलहौजी। क्रांति में देसी राजाओं की क्या भूमिका रही, तो क्रांति को दबाने में इनके द्वारा जो है सहयोग किया गया था दोस्तों। कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं, तो नाना साहब के अंग्रेजों से अप्रसन्न होने का क्या कारण था, नाना साहब क्यों नाराज थे, क्योंकि पेंशन बंद कर दी गई थी। क्रांति की असफलता का मुख्य कारण योग्य नेतृत्व का अभाव मानते हैं। 1857 की क्रांति के समय क्रीमिया के युद्ध में किसने भाग लिया था, तो वो भाग लिया था अजीमुल्ला खान। विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिकृत किए जाने की घोषणा की थी, लॉर्ड कैनिंग ने की थी। किस प्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारी ने 1857 की क्रांति के समय इटावा का कलेक्टर रहते हुए कुछ सिपाहियों की सहायता से स्त्री के कपड़े पहनकर अपनी जान बचाई थी, तो ये नाम काफी आपने सुना होगा, AO ह्यूम। अंग्रेज नागरिकों के नरसंहार के लिए प्रसिद्ध सती चोला घाट कहाँ है, तो ये सती चोला घाट है कानपुर में, जहाँ अंग्रेज नागरिकों का नरसंहार किया गया। क्रांति के दौरान किस मुगल शहजादा को मिर्जा मुगल के नाम से क्रांति का प्रधान सेनापति बनाया गया और बाद में उसके स्थान पर बख्त खां को प्रधान सेनापति बनाया गया था, तो वो थे शहजादा जहीरुद्दीन।
कौन सा प्रसिद्ध शायर क्रांति के समय दिल्ली में था? तो वो था मिर्जा गालिब। अंग्रेजों ने किस क्रांतिकारी पर 50,000 का इनाम रखा था? वो तो वो था मौलवी अहमद शाह। झांसी के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? झांसी के दत्तक पुत्र का नाम था दामोदरम, ने प्रारंभ में बात की थी। क्रांति के समय कौन सा विदेशी पत्रकार यहाँ मौजूद था? तो वो था अर्नाल्ड रसल। इसके बाद में देखिए कुछ और प्रश्न है हमारे सामने। क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था लॉर्ड पामस्टर्न। और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया कहाँ से? दिल्ली के लाल किले से। फिर उसको रंगून भेज दिया गया था जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। क्रांति का पहला शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को, जिसका जन्म हुआ था बलिया के अंदर उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसने मंगल पांडे को आतताई कहा? तो ये कहने वाले थे होम्स। विद्रोह के समय महक परी, अब देखिएगा महल आता तो लक्ष्मीबाई थी, महक आएगा तो कौन होगा? बेगम हजरत महल। किसने कहा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था? जैसे गर्मी के अंदर आंधी आती है, अचानक से आती है और थोड़े समय के लिए होती है, तो ऐसा कहने वाले थे SN सेन। बंगाल की सेना के उच्च जातीय सैनिकों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था? तो चार्ल्स नेपियर ने कहा था। अवध की स्थिति पर गैर सरकारी रिपोर्ट किसने भेजी थी? बिशप हेबर ने। सरकारी रिपोर्ट आउटरम ने भेजी थी, उसी के आधार पर जो है उसके ऊपर अवध पर आरोप लगा करके, कुप्रशासन का आरोप लगा करके उसको हड़प लिया गया था। सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ हुई कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त किए जाने वाले कारतूसों में आपत्तिजनक जानवर की चर्बी है? तो ये छावनी थी बैरकपुर। क्रांति के संदर्भ में किस नायक को अख्तर पिया कहा गया? तो वो था नवाब वाजिद अली शाह। दोस्तों फैक्ट बहुत सारे हैं, याद करने पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं है, और उपाय एक ही हो सकता है याद करने का, बार बार इनको दोहराएं, बार बार या तो सुनते रहें या इनको कॉपी में उतार लें या नोट्स को डाउनलोड कर लें और फिर बार बार उनको पढ़ते रहें, अपने आप याद हो जाएगी। दोस्तों 1857 की क्रांति के स्वरूप की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह स्थानीय राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का एक अंतिम अवसर था, जिसके रूप में हम इसको देख सकते हैं। दोस्तों 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने देसी रियासतों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। किस वर्ग ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया था? तो हमने पढ़ा भारतीय मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग और व्यापारी वर्ग जो था उसने समर्थन नहीं किया था। किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो वो थे बख्त खान। अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? तो वो स्थान था फैजाबाद, नाम में ही है देखो, अहमदुल्ला फैजाबादी यानी फैजाबाद के अंदर। तो ये 1857 की क्रांति थी, सारे फैक्ट हमने पढ़ लिए हैं। दोस्तों आप अगर SST की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। अभी हमारी जो है साइकोलॉजी की भी फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और SST की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर फ्री अवेलेबल है। दोस्तों उनका लाभ उठाएं, यूनिट के हिसाब से वो सारी की सारी तैयार की गई हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव के विषय में। इस क्लास की PDF आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyars.in पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो, तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छी बात होती है लाइक और शेयर करना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।